आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय एफएलएन कार्यक्रम का चल रहा है निपुल भारत के अंतर्गत, और इसमें भाषा बेसिक स्तर हिंदी है, जो उसका कक्षा 4-5 का ये रजिस्टर बनाना है। उसमें सप्ताह 3 का रजिस्टर किस तरीके से बनेगा उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, ये देखिए सप्ताह 3 का रजिस्टर मैंने बनाया है सिंपल तरीके से। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बनावट नहीं है, देखिए एकदम सिंपल है। इधर ऐसे है और इतना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसमें क्या क्या करना है। इसमें है ऊपर बेसिक स्तर के बच्चों के साथ तीसरे सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियां। इसमें लक्ष्य है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। इसमें सप्ताह 3 में यह लक्ष्य है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। और इसमें है विषय वस्तु, समय है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन। अब देखिए दोस्तों, हमें पहले दिन में कौन कौन सी गतिविधि और कैसे कैसे करना है उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए विषय वस्तु सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, इसका समय है 5 मिनट। पहला दिन है बच्चों के साथ हाव भाव से कविता गाएं, चंदा के गांव में तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे। अब देखिए पहले दिन में हमें ये करना है। अब उसी दिन हमें बच्चों से बातचीत करना है कि बातचीत में जो विषय वस्तु है उसमें 10 मिनट का समय है। इसमें मालू और कालू नामक कहानी के शीर्षक पर चर्चा करें, नाम सुनकर क्या लगता है, कहानी किस बारे में होगी, बच्चों को अनुमान लगाकर बोलने का मौका दें। और फिर है कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियां, इसका समय है 20 मिनट। मालू और कालू नामक कहानी हाव भाव से सुनाएं और कहानी पर चर्चा करें, जैसे मालू कालू को घर क्यों लाया, मालू ने कालू को क्या क्या खिलाया, किसे टहलना पसंद है, कालू को क्यों लगा कि मालू को भी दुम निकलेगी आज। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ विषय वस्तु ध्वनि चेतना, समय है इसका 5 मिनट। अब आवाजों से खेलना, इसमें है कुछ परिचित शब्दों की अलग अलग ध्वनियों को बोलें और उन ध्वनियों को एक साथ बोलने को कहें व शब्द की दूसरी ध्वनि बताने को कहें, जैसे पी प ल। इसमें जैसे पूरा आपने पीपल लिख दिया, इसमें दूसरा जो शब्द है प तो दूसरी आवाज हो जाएगी प, स री र इसमें दूसरी आवाज री, मा लू दूसरी आवाज लू, रो ज इसमें दूसरी आवाज ज। अब लेखन क्या कराना है, इसका 10 मिनट का है समय। खेत विषय पर बच्चों से चर्चा करें एवं उससे संबंधित चित्र बनाने को कहें। बच्चे जो भी चित्र बनाएं उन्हें शाबाशी दें और उनसे यह जरूर पूछें कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। अब दोस्तों हम लोग दूसरे दिन में आ जाएंगे। दूसरे दिन हमें क्या क्या करना है, तो इसमें विषय वस्तु में सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि इस तरीके से हमें करना है क्या कि कुछ बच्चों से पूर्व में की गई बंदर डाल पर बैठा है कविता हाव भाव से सुनाने के लिए प्रेरित करें, और मालू और कालू नामक कहानी के चित्र पर चर्चा करें, जैसे चित्र में क्या हो रहा है आदि, बच्चों को बोलने का मौका दें। और इसमें कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधि में है कि पढ़ी गई कहानी को पुनः पढ़कर सुनाएं, कुछ बच्चों को अपने शब्दों में कहानी बताने के लिए प्रेरित करें। और इधर है दूसरे दिन में आवाजों से खेलना, कुछ परिचित शब्दों की अलग अलग ध्वनियों को बोलें और उन ध्वनियों को एक साथ बोलने को कहें, शब्दों की दूसरी ध्वनि बताने को कहें। अब जैसे है कि इसमें ठिठुर, इसमें ठिठुर लिख दिया तो ठू, घूमने में म है, खाने ने, खाने में इसमें दूसरी ध्वनि नी, तो दूसरी ध्वनि देखिए यहाँ ठू म ने। इस तरीके से इसमें आवाजों से खेलने वाले में ये दूसरा दिन हो गया। अब लेखन में दूसरा दिन है मालू और कालू कहानी में जो शब्द बच्चों को अपरिचित लगे उन्हें गोला लगाने को कहें, उन शब्दों पर कक्षा में
चर्चा करें। अब आ जाते हैं तीसरे दिन में हमें क्या क्या करना है, गतिविधि करें। तूफान आया, बादल छाया, तूफान आया, कैप्टन बोला, क्या बोला, एक नाव में 6 बच्चे। नोट है इसमें कि बोली हुई संख्या के अनुसार बच्चे समूह बनाएं। ये गतिविधि हम लोगों को बच्चों के साथ करानी है। अब है बच्चों से गर्मी का मौसम विषय पर बातचीत करें, बच्चों को बोलने का मौका दें, और कक्षा के अन्य बच्चों को कहानी कालू मालू अपने शब्दों में बताने को कहें। और अब इधर आ जाते हैं, इसमें ध्वनि चेतना में है कि आवाजों से खेलना, कुछ परिचित शब्दों की अलग अलग ध्वनियों को बोलें और उन ध्वनियों को एक साथ बोलने को कहें। शब्दों की पहली ध्वनि भी पूछें, दुम दुम, यहाँ पहली ध्वनि है दू, खूब खू, तो यहाँ खूब जैसे यहाँ लिख दिया खू, यहाँ पे पहली ध्वनि इस तरह से दू अखू, इस तरीके से बच्चों को बुलवाना है और उनसे आवाज निकलवाना है। अब फसल विषय पर बच्चों से चर्चा करें एवं उससे संबंधित चित्र बनाने को कहें। बच्चे जो भी चित्र बनाएं उन्हें शाबाशी दें और उनसे जरूर पूछें कि उन्हें क्या क्या उन्होंने क्या क्या बनाया है। इस तरीके से हमें तीसरा दिन हमारे लोगों का खत्म हो जाएगा। अब चौथे दिन में चलते हैं। चौथे दिन में क्या करना है कि गतिविधि करें। सभी बच्चे गोल घेरे में खड़े हो जाएं। आप घेरे के बीच में खड़े होकर बोलें, फायर इन द माउंटेन। बच्चे बोले, रन रन रन। जितनी तेजी से आप बोलें उतनी ही तेजी से बच्चे रन 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 बोलते हुए दौड़ें। आप जितने धीमे बोलें बच्चे भी उतने ही धीमे दौड़ें। अब यहाँ है बातचीत। बातचीत वाले कॉलम में है कि घात लगाए बैठी नामक कहानी के शीर्षक पर चर्चा करें। यह शीर्षक सुनकर क्या लगता है, कहानी में क्या हुआ होगा, बच्चों को अनुमान लगाकर बोलने का मौका दें। और कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधि में है कि घात लगाए बैठी कहानी हाव भाव से सुनाएं और कहानी पर चर्चा करें। जैसे म्याओ म्याओ की आवाज सुनकर सभी चूहे क्यों दुबक गए, बिल्ली घात लगाकर क्यों बैठी थी, क्योंकि मौज मस्ती चल रही थी, चूहे दीवार के दूसरी ओर कैसे चले गए आदि। और फिर इधर चौथे दिन में देख लेते हैं, आवाजों से खेलना, बच्चों को दो समूह में बांटें, एक समूह शब्द बोले, दूसरा समूह शब्द की अलग अलग ध्वनियों को बोलने के साथ साथ उस शब्द की पहली ध्वनि भी बताएं। और लेखन में है, घात लगाए बैठी कहानी पर बच्चों से चर्चा करें एवं एक बिल्ली का चित्र बनाने को कहें, बच्चे जो बनाए उनका नाम भी लिखने को कहें। और अब पांचवा दिन में है, देखिए यहाँ सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि में पांचवा दिन है। क्या क्या उड़ाओगे, सभी बच्चे गोल घेरे में बैठे, आप जल्दी जल्दी बोलें, तोता उड़, चिड़िया उड़, गाय उड़ आदि। जो बच्चा गलत चीज उड़ाता है उसे कोई गीत कविता चुटकुला आदि सुनाने के लिए कहें। और अब है बातचीत वाले कलम में है कि स्कूल विषय पर बातचीत करें, बच्चों को बोलने का मौका दें। और कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधि में है, कल पढ़ी गई कहानी को पुनः पढ़कर सुनाएं, बच्चों को अपने शब्दों में कहानी बताने के लिए प्रेरित करें। और इधर पांचवा दिन में है, आवाजों से खेलना, बच्चों को दो समूह में बांटें, एक समूह शब्द बोले, दूसरा समूह शब्द की अलग अलग ध्वनियों को बोलने के साथ साथ उस शब्द की पहली ध्वनि भी बताएं। और लेखन में है कि चाय कैसे बनती है, बच्चों से चर्चा करें एवं चाय के बर्तन का चित्र बनाने को कहें, बच्चे से उस चित्र को घर की भाषा में क्या कहा जाता है बताएं, बच्चों का समूह बनाएं और अगले दिन कहानी पर रोल प्ले प्रस्तुत करने को कहें। और छठवां दिन है, इसमें आप 500 दिन तक जो भी कराए हैं उसकी हमें पुनरावृत्ति और रोल प्ले एवं चित्रण कला करना है। इधर भी छठवां दिन में यही है। तो इस तरीके से दोस्तों
देखिए आज मैंने आपको जैसे पहले दिन में जो जो जैसे जैसे करना है वैसे वैसे मैंने आपको बताया है, फिर दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, आप इस तरीके से भी हमें गतिविधि करानी है। लेकिन अगर आपको रजिस्टर ऐसे बनाना है तो आप सीधे सीधे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। देखिए जैसे कि पहले मैंने अन्य वीडियो में ऐसे बताया है आपको, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये रजिस्टर बनाया है। देखिए एकदम सिंपल तरीके से, कोई भी इसमें बनावट नहीं है। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरीके से रजिस्टर बना सकते हैं सप्ताह तीन। और ये बेसिक स्तर का है, भाषा हिंदी कक्षा 4-5 के बच्चों के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसे बनाइए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बनाया गया रजिस्टर अच्छा लगा हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरा मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू।